ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति सागर सोने का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए शिव महापुराण कथा का दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। तो हमने पहले अध्याय में सुना कि कैसे सूत जी नौमनि शरणाय वन में तपस्या कर रहे थे और शौनकादि ऋषि उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे कलयुग में, आने वाले युग में जब चारों ओर पाप ही पाप होगा, उस समय भगवान शंकर का ध्यान करके लोग भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें, ऐसा कोई मार्ग हमें बताइए। तो उनकी प्रार्थना सुनकर दूसरा अध्याय में बताएंगे कि शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उन्होंने प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है ना, वही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रश्न कहूंगा। सुनिए, एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से 70 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं का राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ। आप सबको तो पता ही है कि हमारे जो राजा इंद्र हैं, वो बहुत ही चंचल स्वभाव के हैं। जब भी कभी कोई भी भक्त तपस्या करने लग जाता है, सूर्य असुर, तो सबसे पहले आसन इंद्र भगवान का ही डगमगाता है। तो उसी तरह इस बार भी हुआ। उन्होंने यह समझा कि नारद जी मेरा इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही कहीं ये कठिन तपस्या तो नहीं कर रहे हैं। इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किस प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए, यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जाहिर है, जब हम पर कोई समस्या आती है, हम भी सबसे पहले अपने निकट मित्र को ही तो बुलाते हैं। उसी तरह से इंद्रदेव ने भी अपने मित्र कामदेव को बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गया, तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा कि मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकारों को नष्ट किया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि अपनी तपस्या के द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन ले। तुम कोई ऐसा उपाय करो प्रिय, जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए कहा कि मित्र, घबराओ मत, मैं अभी जाता हूँ। जैसे कि हर मित्र का यही फर्ज होता है कि दूसरे मित्र की सहायता करें, उसी प्रकार कामदेव जी ने कहा, घबराओ मत, मैं अभी जाता हूँ। नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया था, तो परंतु उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, कोयल गूंजने लगी, पक्षी अपनी मीठी बोली में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी उस विजयशनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका था। कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित ना होने का जो कारण था, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे थे, उस स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उस जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो कामदेव, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था कि भगवान शिव के उस समय दिए हुए श्राप के कारण उस जगह पर कामदेव जी का वो जादू नहीं चला, जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट आए। उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा में संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति प्रशंसा करने लगे। ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा सब कुछ ज्ञात हो गया और उन पर
विजय प्राप्त करने के लिए जहां कामदेव आया था परंतु असफल हो गया, जब उन्होंने यह बात सुनी जानी तो उनके मन में भी अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि ये मेरा नहीं, ये तो हमारे भोले बाबा का प्रताप है, यह तो इस तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु नारद जी अपने तपोवर पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से अपनी तपस्या का बल कसा भाव सुनाने लगे और भगवान शंकर के पास पहुंच गए। नारद जी के अब प्रसन्न होकर उन्होंने तपस्या का सब हाल सुनाया भगवान शिव को। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव समझाते हुए कहा कि देव ऋषि, कामदेव पर विजय पाने को किस समर्थ है, तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कह दी, परंतु मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि भगवान विष्णु के पास जाकर मत कह देना, इस बात को अपने तक ही रखना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त रखो कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी न लगी, क्योंकि जब हम किसी बात पर कोई ख्याति होती है ना, हमें किसी बात का अभिमान हो जाता है, मानो जैसे कि हाँ ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने किया है, अहंकार आ जाता है। फिर उस बात को छुपाने के लिए कहा जाए तो कतई भी नहीं। जब किसी बालक को भी हम कहते हैं ना ये काम नहीं करना, ये बात नहीं करनी, किसी को नहीं बताना, तो वो ऑटोमेटिक बताएगा। वही हिसाब नारद जी का। नारद जी को बड़ा अजीब लगा, अरे मैंने इतना बड़ा काम किया, कामदेव को जीत लिया और भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं किसी को बताऊं ना, किसी को तो बताना पड़ेगा, फिर ही लोगों को पता लगेगा। ऐसा मन में ठान कर अब वो आगे चले ब्रह्मलोक में। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी न लगी और उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप पहुंच गए। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का वृतांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान शंकर की तरह उन्हें बहुत समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार घर कर बैठा था, इसीलिए पिताजी के समझाने पर भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो सोच रही है बार बार ये मुझे क्यों समझा रही है, और उठकर विष्णु लोक में जा पहुंचे कि लो तुम रोको और मैं तो वही काम करूंगा। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर अपने प्रिय को कंठ से लगाया और पूछा, देव ऋषि अब तक आप कहाँ रहे। यह सुनकर नारद जी अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने के संपूर्ण वृतांत कह डाला, जो भगवान शंकर ने उन्हें कहने से मना किया था। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, नारद जी मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और पर ब्रह्म की आराधना से ही रहित है, उन्हें के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है। भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, प्रभु मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हमारे भगवान जो हैं वो अपने भक्तों को अगर देखे ना कि अहंकार हो गया है तो उसको और फुलाते हैं कि पहले उड़ ले फिर नीचे उतारूंगा, वही सब कुछ यहाँ हो रहा है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कोई अपना किसी गलत दिशा में जाता है तो हम यही सोचते हैं ना कि इसको सही दिशा में ले। उसी तरह हमारे भगवान भोलेनाथ को भी ये पता है कि अहंकार अच्छी चीज नहीं है, बड़ों बड़ों को नाश कर देती है, कहीं हमारे नारद जी का नुकसान ना हो जाए, इसलिए जरूरी है इनको वापस अहंकार से दूर किया जाए। इसलिए उसी समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे अब क्या करना है, नारद जी का अहंकार दूर करना है। अस्तु उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शीलनिधि नामक एक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी इस नगर में होकर जा रहे थे उस समय राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर वासियों द्वारा जब नारद जी को वृतांत ज्ञात हुआ तो वो भी स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया, फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बिठा दिया।
इसके उपरांत उस राजा ने अपने परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों पर विचार किया तो यह पाया कि मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से भी परास्त ना हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए। परंतु उसी समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने के लिए ललायत हो रहा था। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूं तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु, मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित करके अपने साथ विवाह के लिए तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वही मार्ग में एक स्थान पर बैठ कर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा कोई हितकारी नहीं है, अन्य कोई नहीं है, आप यही प्रकट होकर मेरे मनोरथों को पूर्ण करें प्रभु। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा से प्रतिकूल भोजन देता है उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर विष्णु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा से प्रतिकूल भोजन देता है, वैद्य मतलब डॉक्टर, बीमार व्यक्ति को जैसे एक वैद्य उसकी इच्छा के प्रतिकूल, अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन देता है ना कि इसको इस चीज की जरूरत है इस समय जिससे ये स्वस्थ होगा, भी मैं भी तुम्हारी सेवा वैसे ही करूंगा। मतलब और तुम्हारा अहंकार दूर करना तो मुझे पता है कि मैंने कैसे करना है। नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु मुख बंदर जैसा बना रहा। आपने बहुत सारी कथाएं पहले भी सुनी होंगी ये कथा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनराज समा में जा पहुंचे, क्योंकि उस समय पे शीशे वगैरह तो होते नहीं थे मिरर, आजकल तो हम तैयार बाद में होते हैं शीशे के आगे, आईने के आगे पहले खड़े हो जाते हैं अपनी शक्ल देखने के लिए, और आजकल तो आईने का रिवाज भी नहीं रहा, सेल्फी पहले लेते हैं, मोबाइल का जमाना है अभी। नारद जी वहां से उठकर राज्यसभा पहुंचे। अब फेस तो उन्होंने देखा नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वेशभूषा देख ली कि भगवान विष्णु जैसा लग रहा हूँ। नारद जी बार बार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वर्ण नहीं करेगी। उसी सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका। अत सब ने उन्हें नारद समझकर प्रणाम किया। भगवान सदाशिव को दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे, उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह सका। अस्त वह दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया, अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। सूत जी ने कहा, शुंकादी ऋषियों, इसी बीच वे राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के वे दोनों गण नारद जी की दिशा को देख कर परस्पर अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए, देव ऋषि नारद जी अत्यंत व्याकुल हो गए। उसी समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा कि मुनिराज, आप इतना दुखी क्यों होते हैं, कृपा कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए कि इस राजकन्या ने आपको क्यों नहीं भरा। तो ये था हमारा दूसरा अध्याय शिव महापुराण का समाप्तम। आपने देखा कि कैसे एक अहंकार का बीज जब किसी के अंदर पड़ता है तो हमारे भगवान कैसे उसका हनन करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए लीलाएं रचाते हैं। जैसे ही नारद जी के मन में अहंकार का बीज
बढ़ने लगा तो हमारे भगवान ने, हमारे भोले बाबा ने, हमारे विष्णु भगवान ने एक अलग सी लीला रचा दी ताकि बाहर कोई नारद जी का नुकसान ना कर सके। उन्हें इस अहंकार से मुक्त करने के लिए एक नगरी बसाई गई जहाँ पर भगवान विष्णु महालक्ष्मी की लीला रचाई गई। और अब आप देखते हैं कि आगे क्या हुआ, तीसरा अध्याय आरंभ। शिव गणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुंचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिव गणों को यह शाप दे दिया, अरे मूर्खो, तुमने हमारा बहुत उपहास किया है और तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओगे जिससे फिर से ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हें हिम्मत नहीं पड़ेगी। नारद जी के मुख से शाप को सुनकर दोनों गण अत्यंत चिंतातुर हो वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और शिव की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपने श्रद्धा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है। अतः या तो मैं विष्णु को शाप दूंगा अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। ऋषियों यह निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चल दिए। उसी समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्द में कहा, नारद जी आप इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उसी समय क्रोध अवस्था में नारद जी मुंह से शब्द निकले कि विष्णु, इस समय तुमको हमको तुम अच्छे मिले, तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मौनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था प्रसिद्ध है ही। तुम ही छल से जलंधर की स्त्री को उसकी पतिव्रत धर्म छुड़ाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा समाधि ने अब संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित हैं। अब हम सदाशिव की आज्ञा अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम ना करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए शाप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु को यह शाप दिया कि विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया तुम भी उस स्त्री के वियोग से अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी के यह वचन, विष्णु जी ने यह वचन सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन में अपनी माया हटा ली। उसी समय ना तो नारद जी की वह दशा रही और ना वहां कोई स्त्री ही दिखाई दी। तो नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा, नहीं जा सकता कि ऐसा वृत्तांत सत्य है या मैंने इस स्वप्न में देखा है। ऐसा क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं अभी अभी सोच रहा हूं क्या वो मेरे साथ घटित भी हुआ था। फिर आपकी माया अपरंपार है जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। बोले, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने आपको कहे हैं प्रभु उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए नारायण। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, नारद, तुमने सदाशिव के वचनों को जो अवज्ञा की है यह सब उसी के पाठ का फल मिला है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कारों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वैसे प्रलय के स्वामी हैं, मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें उचित है सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो एवं उनके शतनामों का जप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम हृदय में शिव जी के चरणों का ध्यान रखकर देशाटन करो जिससे तुम्हें दुख ना होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है। समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को सिधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र था महाशमशान भूमि भी कहते हैं।
इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और नारद जी सदा शिव जी के पास चल दिए। मार्ग में दोनों गल मिले और वे भी नारद के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, ऋषि हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया, इसीलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, सदा शिव की माया परंपार है, मैंने जो कुछ कहा है हे शिवगणों वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर और राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न हो गए तथा बहुत प्रतापी हो गए, संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोग भोग कर भी सदा शिव की भक्ति से अचेत न हो गए, अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदा शिव जी के पास तथा फिर ब्रह्मा के पास गए। वहां दोनों को हाथ जोड़ प्रस्तुति करते हुए बोले कि हे पिता, अपने विष्णु की जो कथा मुझसे कही थी, जिसमें भक्ति वैराग्य तप दान की रीति और तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदाशिव की भक्ति से अभी अनभिज्ञ हूँ, इसीलिए कृपा करके मुझे कर्म से बताइए कि सदाशिव आदि मध्य तथा अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं, वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए, शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हैं कृपा करके उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय समाप्तम। तो ये था हमारा आज का दूसरा और तीसरा अध्याय, जिसमें हमने सुना कि कैसे सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को वृत्तांत सुनाया, कि कैसे नारद जी ने कामदेव को विजय किया और कामदेव से विजय प्राप्त करके अपने ही अहंकार में आकर पहले भोलेनाथ को बताया, फिर ब्रह्मा जी को बताया, लेकिन दोनों के मना करने पर फिर विष्णु भगवान को भी अहंकार से युक्त अपनी कथा सुना बैठे कि देखिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने कामदेव को जीत लिया है और हमारे भोलेनाथ ने, इसलिए केवल कि हमारे नारद जी में अहंकार ना आ जाए एक लीला रच डाली, क्योंकि भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो देखिए कैसे भगवान विष्णु का हर वक्त नाम जपने वाले नारद जी, नारायण नारायण जपने वाले भी एक समय के लिए मोहित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला, और उसी श्राप से के कारण ही वो जो दो ब्राह्मण थे वो बाद में कौन हुए आप सबको अंदाजा हो गया होगा, रावण और कुंभकर्ण हुए, और वो मानव का रूप भगवान विष्णु ने श्री राम का रूप लिया। तो आगे हम ये पूरी कथा विस्तार से सुनेंगे। हमने सुना कि इसके बाद जब इस मोह जाल से हमारे नारद जी निकले तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, मुझे विष्णु भगवान ने बोला कि मैं भगवान शिव की भी भजन करूं, भगवान शिव की स्तुति करूं, भगवान शिव की भक्ति करूं, तो कृपा करके मुझे भगवान शिव की भक्ति का ज्ञान दे दीजिए कि भगवान भोलेनाथ किस तरह से प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती के चरित्र भी मुझे बताइए। तो अब आगे जो कथा होगी वह भगवान शिव और माता पार्वती और कैसे वो उत्पत्ति हुई उसके बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे आगे के अध्याय सुनने के लिए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। जय शंकर।